जेसीसी सीजीएल पेपर लीक मामले में कार्रवाई के साथ अब हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जेसीसी सीजीएल पेपर लीक मामले में पहली गिरफ्तारी विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शमीम और उनके दोनों बेटे की हुई। अब गिरफ्तार मोहम्मद शमीम को लेकर खुलासे हो रहे हैं। दरअसल मोहम्मद शमीम का विवादों से पुराना नाता है। मोहम्मद शमीम का नाम पहले भी नियुक्ति कराने के नाम पर रैकेट चलाने में आ चुका है। विधानसभा नियुक्ति घोटाले में भी जो सीडी जारी की गई थी उसमें भी मोहम्मद शमीम की बातचीत थी। सीडी में पैसों के लेन देन की बात वो कबूल चुका था और मोहम्मद शमीम को लेकर झारखंड विधानसभा में सबको खबर है कि नियुक्ति रैकेट का वो माहिर खिलाड़ी है। महीना में 2 करोड़ रुपया देने की बात करें, उनसे मिल लेना वगैरह वगैरह चल रहा था एंकरिंग का। मैं तो बहुत नहीं जानता भैया कौन क्या ला रहा है। तो ये बिल्कुल साफ हुआ कि भाई इस राज्य में, मैं पहले से ही कह रहा था, झारखंड में हेमंत सोरेन नहीं, बिचौलिया दलाल भ्रष्ट अफसर यही लोग सत्ता को चला रहे हैं। और आप तो बिल्कुल सत्य हो सिद्ध हो रहा है। तो हम ऐसे थोड़े बोल रहे थे, हमारा जो अनुभव था, हमने जो सुन रहे थे, लोग हमें आ करके बता रहे थे। और फिर कार्य सरकार की कार्य मैंने क्या बोलते हैं उसको, क्रियाकलाप बोलते हैं, उसको देख करके मुझे लग रहा था ही सरकार लगता है बिचौलिया लोग चला रहे हैं। अब एक तरफ एसआईटी की जांच के साथ कार्रवाई भी जारी है, लेकिन जेसीसी पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी की टीम जो गठित की गई है उस पर विपक्षी दल को भरोसा नहीं। मोहम्मद शमीम की गिरफ्तारी के बावजूद बाबूलाल मरांडी को एसआईटी के अधिकारियों पर भरोसा नहीं। बाबूलाल मरांडी ने फिर दोहराया कि पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच हो। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने पेपर लीक मामले की जांच भरोसेमंद अधिकारियों से करवाने की मांग की है। अरे एसआईटी गठित किनके नेतृत्व में, डीएसपी, वो लोग क्या कर पाएंगे? जिसका संबंध हो पूर्व मुख्यमंत्री के साथ उनको पूछ सकते हैं वो। तो अगर गठित भी करना चाहिए तो हमने कहा कि भाई सीनियर अफसर होते, हम तो नहीं कहा एसआईटी के, हमने तो कहा था सीबीआई से जांच होना चाहिए। आज भी मैं कह रहा हूँ सीबीआई से जांच होना चाहिए। अगर एसआईटी ही उनको गठित करनी है तो जो सीनियर ऑफिसर है, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, वो लोग अपने पोस्ट के लिए कभी भी वो लोगों ने पैरवी नहीं करते, किसी के यहाँ लोग चिरौरी नहीं करते। हम भी मुख्यमंत्री रहे उस जमाने में भी वो लोगों ने काम किया, जहाँ हुआ वहाँ मैंने पोस्टिंग कर दिया। कभी एक दिन भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी नहीं कहा कि साहब आप हमको वहाँ क्यों रखे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो लोग ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। जो लोग 10 लोगों से पैरवी कराते हैं, मैं जानता हूँ कौन है वो लोग। वो लोग गड़बड़ लोग होते हैं, नहीं तो नौकरी करना है उसको क्या पैरवी कराना, क्यों पैरवी करेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं जानता हूँ कुछ ऑनेस्ट ऑफिसर को। इसमें से मैंने कहा कि उन लोगों के अगर उनको एसआईटी ही गठित करना है तो उन अफसरों की अध्यक्षता में एसआईटी को गठित करके जाँच करा लें। और वो लोग अगर कह देंगे कि नहीं साहब कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है तो हम मान जाएंगे। यानी पेपर लीक मामले में जांच, कार्रवाई, गिरफ्तारियां और सियासत का पूरा डोज जारी है, लेकिन अभ्यर्थियों को अभी भी इंतजार सीजीएल परीक्षा का है, वो भी निष्पक्ष तरीके से बिना पेपर लीक हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज बायस्कोप। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।